ये है सीओ यो जी। आप लोग साउथ कोरियन कंटेंट को देखते होगे, या फिर थोड़ा सा भी साउथ कोरियन ड्रामास को जानते हो तो आप इनको तो जरूर जानते होगे। इनका नाम है सीओ यो जी। आज की वीडियो में अपन इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि इनका डाउनफॉल शुरू हो गया और कुछ का कहना है कि इनका डाउनफॉल कभी शुरू ही नहीं हुआ था। तो ये हो क्या रहा है, चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो सीओ यो जी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1990 सियोल साउथ कोरिया में, और इनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए। पर एक दिन क्या हुआ, एक एंटरटेनमेंट कंपनी जिनका नाम था मेड इन चैन, उनके सीईओ की इन पर नजर पड़ी और उन्होंने इनको अप्रोच किया एक एडवर्टीजमेंट के लिए, जो एड थी एक एसके टेलीकॉम के लिए और ईयर था 2013। और धीरे ही धीरे ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में या कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गई। पर इनको कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री में अभी भी जगह नहीं मिली थी, या फिर एंट्री नहीं मिली थी ये बोल सकते हो। और देखते ही देखते उनको एक और ऐड ऑफर हुई, जो कि थी सैमसंग गैलेक्सी S4 की। और ये ऐड साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, सब ने इनको रिकॉग्नाइज किया, सब ने इनको एक्टिंग की तारीफ की सब ने। और इसी की वजह से उनको अपना पहला ड्रामा मिला, जिसका नाम था पोटैटो स्टार। और इस ड्रामा को उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था, उनकी एक्टिंग की तारीफ होने लगी चारों तरफ, और सबको उनका कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया। और उनका एक कैरेक्टर भी पसंद आया, जो था एक शॉपिंग फ्रीक का और एक अच्छी सिस्टर का। पर इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ड्रामास और बहुत सारी के मूवीज की, पर इनको अभी भी वो सक्सेस नहीं मिली थी जो वो चाह रही थी। दबाना है वो को देखा मतलब। और देखते ही देखते उनको इस ड्रामा से ऑफर मिला, जिसका नाम था इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कि जब बात इट्स ओके टू नॉट बी ओके की हो रही है, तो ये मैं कह दूँ ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है, और इससे अच्छा ड्रामा ना कभी बन पाया था और ना कभी बन पाएगा शायद, ठीक है। क्योंकि जब से मैंने देखा है ये ड्रामा टॉप 1 पे है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, और इससे ऊपर कभी भी नहीं बन पाया मेरे ख्याल से। बाय बाय। और इस ड्रामा से उनको फैशन आइकॉन का बैच मिला, और उनकी एक्टिंग और टैलेंटेड स्किल्स की वजह से उनको वो रिकॉग्निशन या फिर सक्सेस मिली जो उनको चाहिए थे। ओके, अब बात करते हैं स्कैंडल्स की। तो जब आप एक फेमस एक्टर या एक्ट्रेस बन जाते हो, तो आपके कुछ स्कैंडल्स भी सामने आने लगते हैं। तो न्यूज़ और मीडिया में इनके कुछ स्कैंडल्स भी सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अपने स्कूल्स में बुली करती थी, और ये अपने क्लासमेट्स को थप्पड़ वगैरह भी मारती थी, और इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट भी फेक करवाए गए थे, जहाँ पे ये कभी पढ़ने भी नहीं गई। और इसी के चलते चलते इन्होंने 2 महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, और अपने एक फोरम में उन्होंने लिखा कि इट मस्ट बी ग्रेट टू हैव समवन टू ट्रस्ट। और ये उन्होंने अपने फैंस के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू किया था। वहीं पे कुछ लोग का ये कहना है कि उन्होंने ये सब वाइट वॉश करने के लिए कहा अपने पिछले कारनामे को। और साथ ही साथ इनका एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप भी था किम जोंग हुन के साथ। साउथ कोरियन डिस्पैच नाम से एक मीडिया कंपनी है, उनके द्वारा ये अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड करनी थी कि कोई भी एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप मत करना कोई भी एक्ट्रेस से, चाहे वो के ड्रामा हो या फिर के मूवी हो। और उन्होंने साथ साथ में कहा था कि जो भी सीन अभी तक तुमने किए हैं वो सब डिलीट करवा दो अपने ड्रामा से। और इसी के चलते चलते उन्होंने ड्रामा क्विट ही कर दिया था। और जो इन लोग को डिफेंड कर रही थी, जो इंडस्ट्री में ये थे या फिर जो भी ये मीडिया कंपनी में थे, वो एक दूसरे को डिफेंड करने में लगे हुए थे कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये इसकी वजह से नहीं हुआ। और इसके साथ साथ उनकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और एब्यूसिव नेचर की भी बातें हुई कि वो अपने हर बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता कि उनका डाउनफॉल हो गया कोरियन मीडिया इंडस्ट्री में या कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उनका डाउनफॉल कभी आया ही नहीं था, और पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर इसके कुछ समय बाद उन्होंने एक ड्रामा किया जिसका नाम था ईव। आपने ये ड्रामा नहीं देखा या देखा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ये एक रेवेंज ड्रामा है। और आप प्लीज़ इससे ज़रूर देखना। तो ये थे कुछ फेमस एलिगेशन सीओ जी के बारे में। पर इतने एलिगेशंस तो हर एक एक्ट्रेस या फेमस एक्टर के साथ जुड़े ही रहते हैं, पर इसको कुछ बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कोरियन मीडिया इंडस्ट्री में। बाकी मुझे नहीं लगता ये कुछ एलिगेशंस हैं और इसकी वजह से उनका डाउनफॉल होना चाहिए। बाकी आप बताना कि आप क्या सोचते हो। बाकी बाय बाय।